सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। प्रक्षीषण वह कार्य होता है जैसे अंगीठी में देर तक जलते हुए कोयलों को हिलाकर राख को हटाया जाता है और पुनः अंगारों को प्रज्वलित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा प्रत्येक प्रांत के विभिन्न प्रक्षीषण शिविर लगाए जाते हैं। उसमें दायित्ववान कार्यकर्ताओं की कार्यकुशलता और दक्षता में संवर्धन के साथ साथ समाज और राष्ट्र को सकारात्मक लाभ भी मिलता है। उक्त विचार अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम के अध्यक्ष और समाजसेवी कमल प्रकाश कृष्णानी ने विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी अजमेर विभाग के योग वर्ग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र में व्यक्त किए। शिविर में शीतलीकरण, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम और ध्यान के अभ्यासों का सूक्ष्म स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रांत कार्य पद्धति प्रमुख डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा ने विवेकानंद केंद्र के योग अभ्यास को वैदिक शास्त्रों और तैतरीय उपनिषद में व्यक्तित्व विकास के 5 आयामों के प्रगटीकरण का माध्यम बताया। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के जागरण से व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। वहीं सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया विश्लेषण से संश्लेषण प्रक्रिया पर आधारित है, जिससे प्राणिक ऊर्जा का संचरण शारीरिक ऊर्जा के रूप में होने से व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। शारीरिक रचना के सत्र में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम बुतड़ा ने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल और पेशीय तंत्र, तंत्रिका तंत्र आदि के महत्वपूर्ण कार्यविधि और रचना को योग शिक्षकों को स्पष्ट किया तथा इन पर आसनों का हार्मोन और एंजाइम के स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताया। विवेकानंद केंद्र राजस्थान के साहित्य प्रमुख उमेश कुमार चौरसिया ने योग के विस्तारित आयाम पर चर्चा की। आज योग को शारीरिक लाभों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि विवेकानंद केंद्र का योग मनुष्य निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित योग शास्त्र भगवद गीता में योग की 2 महत्वपूर्ण परिभाषाओं के अनुसार कर्म के चयन की कुशलता योग है तथा कर्म के परिणाम के प्रति समत्व भाव को विकसित करना उस योग का परिणाम है। केंद्र के प्रांत सह प्रमुख अविनाश शर्मा ने सभी उपस्थित योग शिक्षकों का आह्वान करते हुए आगामी योग दिवस तक 1 वर्ष में अजमेर के प्रत्येक वार्ड में निःशुल्क योग वर्गों का संचालन करने का संकल्प दिलाया तथा प्रत्येक विद्यालय में 8 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को विद्यालय में जाकर सूर्य नमस्कार प्रशिक्षण हेतु टीमों के निर्माण का संकल्प युवा प्रमुख अंकुर प्रजापति ने लिया। नगर प्रमुख भारत भार्गव ने बताया कि शिविर में 35 योग शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ के कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए। केंद्र प्रार्थना के पश्चात शिविर का समापन हुआ। तो ये वर्टिकल कॉलम होगी। उसके बाद अगर हम यहाँ आए अपर ऊपर वाली उसकी मसल्स और बोन्स होंगी, तो सबसे पहले ये स्कैपुला होगी। ये जो हड्डियाँ हैं दोनों तरफ ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला से जुड़ी हुई अपर लिप की जो बोन है इसको हम ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस ये एक होती है, एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है, और यहाँ इसमें गॉर और सॉकेट जॉइंट होता है। ये जो स्कैपुला में ऐसा छेद सा बना हुआ है और इसका एक बॉल होती है, तो ये बॉल इसमें रोटेट करती है। आगे पीछे कर रहा हूँ तो ये बॉल इसमें आगे पीछे रोटेट होती है। ये बॉल है सॉकेट जॉइंट है जो कि यहाँ भी होता है और एक हिप की होने में। फिर उसके नीचे अगर हम आए तो यहाँ 2 हड्डियाँ होती है, रेडियस और अल्ना। ठीक है, रेडियस बाहर की तरफ, अल्ना अंदर की तरफ। हाथ अगर मैं कहूँ सीधा रखूँगा तो ये बाहर वाली जो हड्डी है उसको रेडियस कहते हैं, इधर वाली को अल्ना कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ नीचे छोटे छोटे गुट के रूप में आते हैं, ये 8 छोटी छोटी जो वो है बोन्स है। उसके आगे जितना मैं बताना इस चीज को समय की मर्यादा है, जो कि नाम 8 बोन्स के नाम है। उसके बाद हम इनको मेटा कार्पल है, ये कार्पल मसल्स होगी। इसके आगे मेटा कार्पल्स है जो कि 5 है। ये 5 मेटा कार्पल्स उसके बाद आगे ये फैलेंजेस है। फैलेंजेस छोटी वाली उंगली में 2 है, बाकी में सब में 3 है। ये 3 फैलेंजेस हो गए। तो ये अपर लिप की बोन से
जितना इस घुटने को आगे दबाते जाएंगे उतना ही सीना हमारा ऊपर की तरफ ऐसा थोड़ी ऊपर की तरफ यानी ये कमर में आपको बन जा सकती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आगे की तरफ झुकना है, ठीक है। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300303072 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर।